तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग को गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। एक नए ब्लॉग की शुरुआत नई शाम के साथ। और अभी काम करके बस घर पे वापस आए हैं और आज मैंने प्रीति को कहा चल शाम को ब्लॉग चालू करते हैं, थोड़ी मस्ती भरी बातें करते हैं, आपसे गप्पे शप्पे लड़ाते हैं और चीजें बताते हैं। और हमें ना एक चीज बताता हूँ, खूब सारे कमेंट्स आए हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे यहाँ जा रहे हो। तो एक बंदे ने बड़ा बढ़िया से कमेंट दिया, कहता है ये पुराना पापी है, ये इंटरनेशनल बोल के पाकिस्तान चला जाएगा। भाई मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कंट्री है, आप नेपाल जाओगे तो वो भी इंटरनेशनल कंट्री है। तो फिलहाल मैं सबके नाम बताता हूँ, किस किस ने कौन कौन से कमेंट दिए हैं। लिटिल बिट थोड़े थोड़े सबने अच्छे जज किए हैं, बट जिन्होंने दोनों कंट्रीज जज किए मैं उनका नाम बताऊंगा, जिन्होंने सिंगल सिंगल किए उनका नाम नहीं बताऊंगा। जबकि सिंगल सिंगल भी लोगों ने करेक्ट बताई है कि आप यहाँ जा रहे हो आप वहां जा रहे हो, तो उनके नाम है ये। कॉपी पेन ढूंढ रहा था तो ये बुक तो मिली पर वो नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही, तो मेरे को ये प्रनूर का ब्लैक बोर्ड दिख गया। मैं यहाँ पे अपने रनिंग एंड में सबके नाम लिख लेता हूँ। क्या क्या लिखेगी? कह रही मैं लिखूंगी नाम, तो ठीक है भाई तू लिख। तो भाई प्रवनूर ने नाम लिख दिए हैं, चार नाम हमने उसमें से लिखे हैं। जबकि काफी सारे लोगों ने, अगर आप कमेंट देखोगे इस वीडियो की खोल के, तो काफी सारे लोगों ने हमको बताया कि आप यहाँ जा रहे हो, मतलब सिंगल बताया, किसी ने एक कंट्री बताई, किसी ने दूसरी बताई, फिर एक बताई, फिर दूसरी बताई। तो जिन लोगों ने दोनों कंट्रीज बताई है उन लोगों के नाम कुछ इस प्रकार है। ए पे है आर्यन कुमार, फिर है जसविंदर शेखो, फिर है अमिती KU1 फ्रॉम उड़ीसा, नहीं अमिती KU1, और फिर है सिद्ध गेमिंग फ्रॉम उड़ीसा। और डी चार लोगों ने बताए हैं। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बता दे भाई फाइनली दोनों कंट्रीज के नाम। नीचे ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे हो रही है पैर ऊपर बताओ। साथ में हाँ पहले ठीक है, 3 2 1 USA कनाडा। हम जा रहे हैं USA और कनाडा, हमारा 1 मंथ का टूर है। और 1 मंथ में हमने बहुत सारी सिटी घूमनी है, न्यूयॉर्क घूमना है, न्यू जर्सी घूमना है, अटलांटिक सिटी घूमनी है, लास वेगास घूमना है, डिज्नीलैंड घूमना है, नियाग्रा फॉल्स घूमना है, और टोरंटो घूमना है। उसके बाद टोरंटो में ब्रैम्पटन जाना है, ब्रैम्पटन के बाद हमने मिसिसागा जाना है, मिसिसागा के बाद हमने कैलगरी जाना है। मतलब खूब सारा घूमना है और इंजॉय करने है, और सिर्फ इंजॉय करना है। एक महीना कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फन वाला टूर रहेगा और खूब मजा आएगा। और डेट हम आपको बड़ी जल्दी बताने वाले हैं कि हम इस डेट को जा रहे हैं। टिकट्स हमारी बुक हो चुकी है और जाने की भी बुक हो गई है, आने की भी बुक हो गई है, बस अब तो सिर्फ मजा ही मजा है। सुन हमने बता दिया क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं, सबको बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ हाँ। सही बताया मैंने, वो देखो बैग भी पैक होने शुरू हो गए हैं। ये बैग पैक होगा ना, अरे नहीं टच ही है। नहीं हम USA कनाडा जा रहे हैं, बता दिया सही में। मैंने इनको वो भी बताया, पुराना पापी बता रहा था कोई हमें कि पुराने पापी ये कहाँ चले जाएंगे, थोड़ा अपग्रेड हो गया हम दुबई जाएंगे। तो 2 दिन से ना मैं काम पे फुली बिजी था, तो व्लॉगिंग भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो बस अभी घर पहुंचा ही था तो व्लॉग शुरू करा, मैंने कहा आपसे बातचीत करें, अब थोड़ा चेंज करके रिलैक्स होकर बैठते हैं और बस तसल्ली करते हैं। और बाबा जी का पाठ सुन रहे हैं, शाम का टाइम है तो राज साहब का पाठ सुन रहे हैं, दरबार साहब से आपको भी दिखाते हैं। भाई इनको भेज रहा हूँ मैं दोनों को लेने के लिए, मेरे लिए क्या लेने जा रहे हो भाई? बोरोलिन में बात कर रहे, तभी मैं ऐसे इशारों में बता रहा हूँ। बोरोलिन लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरे कान के नीचे ना वो कहते वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, दाना नहीं कान कट गए हैं। तो बोरोलिन लाओ तो मस्त हो जाता, जल्दी लिया भाई फटाफट। कहाँ आ रही है बता, तो बूंदा बांदी जो क्या होता है। मैडम को ना बहुत काम है, आप सबको बताऊं, इतना काम है आप सोच नहीं सकते। क्यों है बताता हूँ, देखो इनका फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम देख लेगी या कुछ कर लेगी और फुर्सत नहीं है। जो बंदा अपने मोबाइल को साफ नहीं रख सकता, ये देखो इसके मोबाइल का फ्रंट, बच्चे भी देखते हैं, समझ आई ना। तो बंदा एक कपड़े ही मार लेता है, एक इतना से काम कर लेता है। तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। तो फिर तुम भी कर दो ना मेरा फोन साफ। बातें गिनवानी और बोलनी तो बड़ी जल्दी आती है, फिर लोग कहेंगे कि मेरे को तमीज नहीं है बात करने की। वो तो तेरे बोलने से पता लग जाता है, बोलने से पता लग जाता है मैं कितना सॉफ्ट स्पोकन हूँ। बात बंदा प्यार से करता है तो बंदा प्यार
भाई इसमें क्या मैंने बोला, प्यार से ही बोला था, साफ नहीं करता, बड़ी बिजी है, यही तो बोला था। तो मेरा फोन है, मैं साफ ये कल भी दिखाऊंगा आपको, ऐसे ही होगा। आज तक कभी तुम्हारे फोन को टच करे? तू कर भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। ये एटिकेट्स होते हैं। क्या एटिकेट? तो भाई एटिकेट मैंने तो स्क्रीन दिखाई है, स्क्रीन ओनली स्क्रीन। स्क्रीन तो दिखाई है, बिना टच के दिखा दो। चिल्लाती रहेगी, बात करूं, मेरी टोन मेरे ना फोन को टच कर भी नहीं सकती। तो, ऐसा है, मैं अगर तुम्हारे फोन को टच नहीं करती ना, तो मेरे फोन को भी तुम तो मेरे पूरा ऑपरेशन कर देते हो। ओके बाय बाय। आप क्या हुआ? आए थे लंदन चले गए। प्रवनूर जाके ले आए अपने लिए बोरो लिन। ये ना बचपन की क्रीम है हमारी और सबसे बढ़िया क्रीम होती है एंटीसेप्टिक। भाई लगाइयो। हेलो प्रीति, जल्दी लगा दे यार। भाई साहब 2 घंटे खेला आयो आप, पड़ेगा आपका प्यो, अब पिटेगा, लाइव पिटेगा, मम्मी कह रही है। गेम लगा रहा प्रीति, गेम लगा रहा है। हाँ सही में गेम लगाई है इसने। तेरा हाल ना बड़ा बुरा होने वाला है। अभी निकाल रहा है और ये है स्लिम PS5। साइकिल भाई साहब चलाते हैं। यहाँ पे 4 लोगों के नाम लिखे थे, उन्होंने भी बताया था कहाँ जा रहे हैं हम। पता नहीं कहाँ गया नाम, मिटा गई दीदी। चल भाग यहाँ से। एक चेंज करके हम आ गए नाइट मोड पे और अभी रोटी खाने की तैयारी है और 1 घंटे के अंदर। और प्रीति यहाँ पे लग रही है सिमरन कर रहे हैं, ढक भी तो ले सर को। जो जला, अच्छा जो जला रही थी भाई, जो जला रही थी, अभी जो जला के बैठी है। संडे का दिन और यहाँ चल रहे हैं सिद्धू मूसे वाले भाई के गाने। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन भाई साहब के साथ हम सुबह सुबह जा रहे हैं इनकी साइकिल ठीक कराने। मतलब सुबह इन द सेंस दोपहर के 2 बज रहे हैं, इनको साइकिल ठीक करानी है और इनकी साइकिल ठीक कराने जा रहे हैं। तो मैं भूला हुआ था एक्चुअली, काम में इतना बिजी चल रहा था तो मैं भूला हुआ था व्लॉग बनाना है। तो भाई साहब कह रहे पापा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लो, चलो भाई साहब साइकिल निकालो। कह रहा है मैं साइकिल पे मॉडिफिकेशन कराऊंगा, पता नहीं क्या क्या, अब भगवान जाने हैं। बिना ब्रेक के साइकिल चलाता है और यहाँ अपनी खड़ी होती थी 80 जो आजकल शैंकी लेके गया हुआ है और मस्त बनाएगा। आ जा भाई। एक बात है, अपने यहाँ पे फुल कचरा मचा हुआ था, अब साफ सुथरा हो गया, नहीं तो यहाँ इतने जाले होते थे ना क्या ही बताएं। चले भाई, हुआ क्या इसको, हुआ क्या? ब्रेक नहीं रखती। बस यही करना है ना, और तो कुछ नहीं है। चल भाई सीट फोल्ड करके भाई साहब की जो साइकिल है ना वो अंदर रख दी हमने। चले अब, साइकिल का नाम भूल गया था। हाँ साइकिल का नाम भूल गया था। तो पहले गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है और गाड़ी में पेट्रोल भी डलाते हैं, क्योंकि 5 साल का था ना तब से साइकिल चला रही हूं मैं। हां तो बड़ा ही नहीं हो रहा इसका मतलब, तू बड़ा होएगा तो साइकिल मिलेगी ना। अब मैं 10 साल का जब होगा तब साइकिल। तो अभी हम इसकी पहले साइकिल ठीक करनी देंगे, उसके बाद गाड़ी को मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे और उसके बाद फिर वापिस आएंगे। और मैं जाऊंगा आज डैडी के साथ और डैडी मुझे कहीं ड्रॉप कर देंगे, वहां से फिर मैं अपना काम निकल जाऊंगा। और गाड़ी प्रीति लेके जा रही है, उसको कहीं बर्थडे पार्टी पे जाना है और शाम को कीर्त वगैरह सब जाएंगे। मैं कहीं काम पे होऊंगा तो मैं फिर घर अपने आप कैब पे आ जाऊंगा या डैडी के साथ आ जाऊंगा, वो अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। तो अभी चलते हैं भाई साहब की यहाँ पर साइकिल ठीक कराते हैं। तो लो जी हम पहुंच गए भैया की दुकान में। लो भैया साइकिल फिर खराब हो गई हमारी, अब तो ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है इसमें, ब्रेक नहीं तो कोई बात नहीं, हम चलाएंगे इसको, चलो दिक्कत नहीं है। कब दोगे? आज शाम को ले जाइए, शाम को अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कल आएंगे। कल आएंगे कोई बात। चलो बताते हैं क्या क्या करना है। चल भाई बता दे क्या क्या करना है। कीरत जल्दी बता, ठीक है सीट का क्या कह रहा था, सीट ऊपर कर देना थोड़ी सी, बदलनी भी है क्या?
चलो और घंटी क्या करनी है? सही तो है, चलो नहीं चाहिए उतारनी है, लग ही रहे थे शो पीस है, ठीक है चलो शाम को फिर ले लेंगे, शाम को या कल ले लूंगा। जी भाई साहब एक काम खत्म है, अब चलते हैं, अब चलते हैं भाई दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम पता है ना क्या करना है? हाँ पेट्रोल डलाना है और फिर घर को जाना है। नहीं घर का नहीं, मम्मी ने स्टेपलर की पिन भी डालनी। वो अपने आप ले आएगी, मैं नहीं जा रहा भाई लेने। अरे मेरा होमवर्क है। तो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी घुमाने दे। तो आ गए भाई पेट्रोल पंप पे, अभी लाइन लगी है, क्या करें, हमारा शीशा भी बड़ा गंदा हो रहा है, आज गाड़ी धोने वाला नहीं आया ना। क्या बोलता भाई, इन्हीं को बोले साफ करते शीशे को? बोलना पड़ेगा भाई। भाई शीशा साफ करने वाला तो है ही नहीं है। किरत जीरो देखियो जरा मीटर पे उधर उधर, कितनी देर जीरो, जितनी देर वो पेट्रोल चालू करेगा। हमने उसको बोला फुल करने के लिए। फुल में पता नहीं कितने जीरो होंगे भाई, अभी जब चालू होगा तो ही पता चलेगा। भाई बड़ा पेट्रोल पड़ना 3700 का हो चुका है, मुझे लग रहा है तकरीबन 5000 का डलेगा। वो बच्चा भी सही कर ठीक करवा के ला रहा है। तो भाई हमारा पेट्रोल डल चुका है 4800 रुपीस का, 50 लीटर के टैंक है इसका, और भैया गिन रहे हैं पैसे। क्यों भाई चले अब? ओ, गाड़ी का टैंक हो गया फुल, पेट्रोल हो चुका है फुल, और अभी प्रीति का फोन आया कि आते हुए राजमा ले आओ, आटा ले आओ और ये सामान ले आओ। मैं कहा भाई मुझे जाना है, दो बज चुके हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सामान या तो तू ले आई हो या कल आ जाएगा। आज रात को तू भी बाहर रोटी खा रही है, मेरी तो वैसे ही बाहर है, तो कल आ जाएगा, चिंता मत कर। तो अभी सीधा निकलते हैं, डैडी तब तक रेडी हो चुके होंगे और मैं निकल जाऊंगा। पापा चलो आप कल ना पोर्शे खरीदने आते हैं। क्या खरीदने आते हैं? पोर्शे। तेरे बाप का राज है। यस। चले भाई साहब अंदर, अब हो गया आपका काम खत्म, चलो। उनकी किसाई क्यों कर रही है? हेलो भाग गई, भाग गई। हाँ भाई जेठालाल क्या हुआ? व्हाट आर यू डूइंग? मोबाइल से बेटा बाहर भी निकलना होता है कभी। ओ हेलो भाई, जेठालाल खुंदक में आज, कभी देखना कैसे चिल्लाएगी। ते हैं फैन फॉलोइंग, ये देखो, ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ यही सुनते रहते हैं। ये कौन है अभी आप देखना, सिद्धू मूसेवाला।